राजनीति का रा राजा के रा से मिलता है, जिससे राज्य, राज और बहुत कुछ होता है। लेकिन आज के दौर में राजनीति सबसे अलग है। देश में चुनाव दूसरे फेज में पहुंच गया है। इसी बीच कन्नौज से भाजपा प्रत्याशी सुब्रत पाठक ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की विचारधारा को पाकिस्तानी बताया, साथ ही साथ कन्नौज सीट पर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच जैसी स्थिति बताई है और उन्होंने दावा किया है कि इस मुकाबले में भारत ही जीतने वाला है। सुब्रत नेता ने कहा कि तेज प्रताप सिंह यादव यहां से लड़ते तो मैच नेपाल और भारत जैसा हो जाता। अब अखिलेश यादव आ रहे हैं तो मैच हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरह होगा और जीतना भारत को ही है। अखिलेश की विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब हम किसी देश की बात नहीं करते। पाकिस्तान मतलब आतंकवादी। पाकिस्तान का मतलब भ्रष्टाचार। पाकिस्तान का मतलब हत्यारा। पाकिस्तान का मतलब लुटेरा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान में 75 सालों में हिंदुओं की आबादी समाप्त कर दी गई, 14-15 साल की बच्चियों का निकाह 70 साल के लोगों से कराकर उन पर अत्याचार किया गया, जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो हम देखते नहीं हैं क्या? इस प्रकार की उनकी प्रवृत्ति है। सुब्रत पाठक ने मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का भी नाम अखिलेश यादव से जोड़ा और कहा अगर सपा सरकार में आई तो पता नहीं कितने अतीक और मुख्तार निकलेंगे। बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव को हराया था। बीजेपी ने सपा के गढ़ को ढा दिया था। इस बार सपा कार्यकर्ता लगातार मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव ही कन्नौज सीट से चुनाव लड़ें। लेकिन पार्टी ने अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप सिंह यादव को टिकट दिया। इसके बाद कन्नौज में पार्टी के अंदर निराशा का माहौल था। इसको भांपते हुए अखिलेश यादव ने डैमेज कंट्रोल किया और खुद चुनावी अखाड़े में उतर गए। सपा प्रमुख के चुनाव लड़ने से कन्नौज में सियासी लड़ाई दिलचस्प हो गई है।